हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जर्नी, एक नई कहानी हरिद्वार की गलियों से। हरिद्वार, जहाँ गंगा की महक हर किसी के दिलों में बसी रहती है, जहाँ आरती की धुन सबको अपनी ओर खींच लेती है, और जहाँ सड़कों पर हर कदम पर एक नया एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी और देरी के चलो साथ में खो जाते हैं इस पावन नगरी की खूबसूरती में। यहाँ की गंगा की लहरों में डूब कर हरिद्वार का असली स्वाद चखेंगे और एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से देखो, क्योंकि हरिद्वार हमारा है आज का डेस्टिनेशन और ये व्लॉग है हमारे नए सफर का पहला कदम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुंबई के बोरीवली से रात के 12:30 बजे हमारी ट्रेन है हरिद्वार एक्सप्रेस, जिससे हम निकल पड़ते हैं हरिद्वार के लिए। तो अभी जस्ट मैं हरिद्वार स्टेशन पे आ चुका हूँ और पीछे में जो ट्रेन है उसी ट्रेन से आए हैं हरिद्वार एक्सप्रेस करके। तो अभी जो टाइम हो रहा है कुछ 9 बज रहे हैं और अभी यार यहाँ पे जो ट्रेन में कुछ अच्छी फैसिलिटी भी नहीं थी, मतलब मुँह धुलने का भी ठीक से पानी वगैरह नहीं था यहाँ पे ट्रेन में। तो अभी बाहर निकलते हैं और फिर पहले कोई होटल वगैरह देखते हैं। और यहाँ पे आज का दिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रुकूँगा और रुकने के बाद यहाँ पे जो कुछ मतलब विजिट करने लायक चीज़ रहेगी, एक्सप्लोर करने लायक चीज़ रहेगी, तो वहाँ पर हम जाएँगे। तो स्टेशन से बाहर अभी आ गए हरिद्वार स्टेशन से बाहर। तो यहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह बता दीजिए वीडियो में। मनसा देवी, चंडी देवी, अच्छा मनसा देवी, चंडी देवी, गंगा आरती, अच्छा 12 मंदिर हो रहे हैं और हरिद्वार में। अच्छा अच्छा, मतलब 2 दिन लगता है हरिद्वार। अच्छा 2 दिन लग जाएगा। चलो ठीक है, चलो गाइस बताते हैं आगे क्या डिटेल। जैसे ही मैं हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकला, मुझे एक रिक्शे वाले चाचा मिल गए। उनको मैंने बोला कि किसी होटल में कोई जो चीप भी हो और अच्छा भी हो, मुझे वहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे 3-4 होटल दिखाए और बहुत अच्छे थे वो, और उनके थ्रू मैंने एक होटल लिया जिसका नाम था होटल सुविधा, जिसका प्राइजिंग था जो कुछ 1500 रुपीज़ पर 24 आवर्स के थे। तो काफ़ी अच्छा उसका फैसिलिटी भी था। अब उसका एंट्रेंस एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का एंट्रेंस एरिया वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर खाना पीना चाहते हो तो भी आप खा पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि होटल कैसा रहता है। तो जैसे ही हम होटल में इंटर करते हैं, बगल में वॉशरूम रहता है और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन एरिया, काफ़ी अच्छा खासा होटल यहाँ पर दिखता है, ठीक है। अब हमें ये AC भी था, तो मतलब विथ AC वाला रूम था, ऐसा भी नहीं है कि 1500 रुपये में विदाउट AC था। तो इस तरह का पूरा एरिया दिखता है हरिद्वार का, और ऐसा नहीं है कि 1500 रुपीज़ में ही आपको मिलेगा और यही सबसे सस्ता है, इससे भी सस्ता होता है। तो अगर आप इससे भी सस्ता लेना चाहते हैं तो बहुत सारे होटल मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर नाम वगैरह लिखा रहेगा तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे होटल मैंने ले लिया है और यहाँ पे जो होटल की गाइस प्राइस रहती है, एकदम पास में स्टेशन के लोगे तो थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये आपको लगेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी दूरी पे 1-2 किलोमीटर दूरी पे लेते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500-2000 के अंदर अंदर मिल जाएगा। और अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो भी मतलब ज़्यादा आपको प्राइस नहीं पड़ता है, मतलब इसी के अराउंड आसपास रहता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको 3-4 होटल रिकमेंड कर दूँगा अगर वहाँ पर आप रुकना चाहते हो। तो जिस होटल में मैं रुका था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं था और इसके जस्ट बगल में रेड कलर का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये भी एक होटल है। इसके जो प्राइसिंग रहती है 800-1000 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग रहती है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आप इसमें रुक सकते हो, आपके बजट फ्रेंडली होटल रहेगा, ठीक है। और आगे मैं बहुत सारे जो होटल्स वगैरह हैं उनके बोर्ड आपको शो करा रहा हूँ, जिससे कि आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हो, जिससे उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा। और स्टेशन से दूरी वगैरह चेक करके उनका प्राइसिंग वगैरह या फिर ऑनलाइन उनसे बात करके नंबर से आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। अब बात करते हैं थोड़े और कम बजट में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे आश्रम होते हैं, ठीक है, हरिद्वार में। तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे और वहाँ की जो प्राइसिंग होती है, अगर आप फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो तो बेटर ऑप्शन होता है 100-200 रुपये पर डे में आप वहाँ पे रुक सकते हो। तो मेरे पास पूरा दिन था हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं फेमस मनसा मंदिर टेम्पल को विजिट करने के लिए रिक्शे में निकल पड़ता हूँ और रिक्शा जहाँ पे मुझे छोड़ता है वहाँ से मुझे पता चलता है कि शॉप के अंदर से जाने के लिए गली मिलती है। तो वहाँ से रोपवे के थ्रू आप जा सकते हो और वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रीट मार्केट पड़ता है और जब मैं रोपवे की लाइन देखता हूँ तो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है और 2-2.5 घंटे की वेटिंग रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वेट करने से अच्छा है कि हम पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि रोपवे आता जाता रहता है, इस तरह से आप जा सकते हैं। और बात करें टिकट प्राइसिंग की, तो यहाँ पर टिकट प्राइस जो रहता है पर पर्सन 150 रुपये के आसपास जो टिकट प्राइसिंग रहती है।
तो इस तरह से आप पहाड़ियों से होते हुए नेचर का लुत्फ उठाते हुए आप पैदल भी चढ़ के जा सकते हैं, जो कि आपको ऊपर चढ़ने में लगभग आपको 1 आवर लगने वाले हैं। रास्ते में आपको जगह जगह पर नींबू पानी के स्टॉल देखने मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे 20 रुपए दे के पर गिलास आप नींबू पानी पी सकते हैं। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ सीधा दर्शन करने के लिए टेम्पल पे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अभी दर्शन तो हो गए, तो अभी कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये कुछ ब्रेड पकौड़ा है और इसमें साथ में कुछ छोले वगैरह डाले हुए हैं। तो गाइस अभी मैं दर्शन करके भी आ गया और यहाँ पे अभी भी इतनी सारी लाइन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। तो मतलब अगर आप इसके चक्कर में रहोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है, तो अगर आपके पास टाइम है और पैसा है तो मतलब आप सब जा सकते हो उसको। अदरवाइज जब मैं यहाँ पे आया था पता करने, तो यहाँ पे मतलब कुछ 150-200 रुपये लेते हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए और ले आने के लिए। बट क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, तो इसके चक्कर में अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, वेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये वाला जो रूट है, फिर आगे ऊपर से जाओगे, मतलब पैदल चल के आपको कुछ 1 घंटे लगेंगे और 1 घंटे में आप ऊपर चढ़ जाओगे, दर्शन करके भी आ जाओगे, जैसे मैं जिस तरह से। ठीक है, तो चलो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है। ये है हमारे ऑटो वाले भैया, ये हमें लेके गए थे यहाँ पे। और आप अपना नंबर दे दो भैया, अगर कोई आएगा इधर ना तो आपको कॉल कर लेगा। नंबर दे रखा है। हाँ, तो नंबर मैं आपको इधर स्क्रीन पे शो होगा, आप उनको कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, वहाँ से भी आप इनको कॉल कर सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? कपिल कुमार इनका नाम है। अगर हरिद्वार आप पहुँचोगे इनको कॉल करोगे तो ये आ जाएगा, आप आ जाओगे ना। ये आपको बता देंगे प्राइस जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा। तो आप इनके साथ इधर उधर भटकने से अच्छा इनको बुला लोगे तो आप ये ले जाके आपको छोड़ देंगे। जो जो भी फेमस चीज़ है यहाँ की वो आपको खुद ही ले जाएंगे वहाँ पे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पर मुझे दिखती है महादेव की काफ़ी बड़ी सी मूर्ति, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ विवेकानंद पार्क में और देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा जो है भोलेनाथ का स्टैचू है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन विवेकानंद पार्क है। अगर आप हरिद्वार में आते हैं तो आप किसी से भी बोलेंगे तो यहाँ पे आपको छोड़ देगा। ये जो हर की पौड़ी है इसके पास में ही है ये स्टैचू, और आपको मैं एकदम क्लियर दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। बहुत ही शानदार दिख रहा है, मतलब बहुत हाइटेड, काफ़ी हाइटेड है, तो आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। गाइज मैं आ चुका हूँ ये हरिद्वार के पास, ये देखो गंगा जी हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मतलब कुछ फील होता है जैसे कि मतलब बनारस जैसा लगता है यहाँ पे, पूरा माहौल उसी तरह का, पूरा मतलब धार्मिक माहौल रहता है। शाम को आरती होती है, तो शाम को आरती देखेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे होटल पे रुकेंगे, फिर सुबह हमारी 4-5 बजे की बस रहेगी सोनप्रयाग के लिए। तो कल की जर्नी कल देखेंगे, फिलहाल आज का मैं आपको बता दिया और बाकी जो छोटी मोटी डिटेल रहेगी मैं आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस इधर सभी लोग आप लोग देख सकते हैं नहा रहे हैं, तो क्या बोलते हो, नहा लिया जाए? यहाँ पे आए हैं तो नहाना बनता है, चलो जाते हैं, हम भी थोड़ी डुबकी मार लेते हैं। आज पानी इधर ज़्यादा नहीं है, लोग इधर चैन के सहारे लोग नहा रहे हैं। तो जैसे ही मैं गंगा जी में नहाने के बाद हर की पौड़ी की तरफ आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो देखता हूँ कि रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूखे बैठे हुए थे। तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जो बहुत बूढ़े थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ पे अपना छोटा बिजनेस कर रहे थे, जिसमें वो 100 रुपये में 5 प्लेट दे रहे थे, जिसमें कोई भी उनको खाना खिला सकता है भूखे लोगों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग मांगने आते हैं जो मतलब कुछ भी अपने सही हालत में होते हैं फिर भी वो मांगते हैं, लेकिन वो रियल भूखे लोग थे और उसमें कुछ जिनके हाथ भी नहीं थे, मतलब ऐसे भी लोग थे। तो बहुत मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, तो मैंने भी ऐसा किया, मैंने अपनी तरफ से कुछ 100 रुपीज़ का मतलब 10 प्लेट मैंने खिलाया और दिल को बहुत सुकून मिला। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो हर की पौड़ी पर जाओगे तो आप भी कर सकते हो। तो गंगा जी में नहाने के बाद और भूखे लोगों को खाना खिलाने के बाद काफ़ी अच्छा सुकून फील हुआ। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ कुर्ता लेने के लिए, क्योंकि पास ही में एक शॉप थी जहाँ पे 100-150 रुपये, 200 रुपये का आपको कुर्ता मिल जा रहा था, जिससे काफ़ी अच्छा एक वाइब आ रहा था भक्ति वाला, और उसके बाद आरती देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। हरिद्वार में गंगा आरती 2 टाइम होती है, सुबह के टाइम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में होती है
और इवनिंग में 5 बजे 5:30 या 6 बजे के आसपास ये आरती होती है। तो जब हम यहाँ शाम पर पहुँचे फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि पल भर में मौसम बदलता रहता है यहाँ पे। अभी आरती तो हुई नहीं बट बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और बारिश हो चुकी है यहाँ पे। हेलो फाइनली भीगते हुए आ चुका हूँ मैं होटल पे और अभी टाइम हो रहा है कुछ 9 बज रहे हैं तो अभी खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा कल क्योंकि 4 बजे 5 बजे बस मिलती है। सुबह सुबह अगर निकलेंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग के लिए और सोनप्रयाग जाने के बाद वहाँ से हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे। तो चलो पूरा जर्नी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे क्या होता है। तो आज के लिए भी इतना ही, चलो बाय।